हेलो फ्रेंड्स, टाइमलेस एसपीस में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे उम्मीद है। आइए आज बनाएंगे टाइमलेस एसपीस में बहुत ही टेस्टी सी डिश। सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे और सारी ही इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हम घर के ही यूज करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर ही कीजिएगा। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई आने वाली रेसिपी सब मिल जाए। तो ओके, शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमने एक बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड और आधा पौन ग्लास हमने गर्म दूध लिया है। आप फ्रिज का दूध भी दे सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर जो दूध होता है वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा तेज़ गर्म दूध है तो इसे एक साइड में रखते हैं और हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन रख दिया है गैस पर और सारा दूध हम इसमें डाल देंगे पैन में, और हाई फ्लेम कर रखा है मैंने स्टार्टिंग में। तो ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये हम बहुत तेज़ी के साथ दूध में डालकर चलाएंगे ताकि इनमें गुठलियाँ या लम नहीं रहें। तो अगर आपको ये लगे कि आप नहीं चला पाएंगे इतनी तेज़ स्पीड से तो आप ये कस्टर्ड पाउडर जो है ना ये थोड़े से दूध में घोल लें और फिर डालें। तो देखें, हमने डाल दिया है ये स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड दूध में और हम अच्छी तरह बहुत तेज़ी के साथ चला रहे हैं। सारा ही पाउडर इसमें मेल्ट हो गया है, अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, और चलाते रहेंगे इसे और तब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो एक बड़ा चम्मच और आधे से पौन ग्लास दूध, 300 ml दूध होगा ये जो हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से देखें ये अच्छी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब हम थोड़ा सा और चला लें, उसके बाद हम इसमें चीनी मिलाते हैं। देखें, हमने इसमें चीनी कम ही रखी है क्योंकि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती है, और ये थोड़ा कस्टर्ड जो है थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड में होता है तो इसमें खुद भी अच्छी मिठास होती है। तो इसे हम देखें इस तरह से चीनी डालने के बाद भी मीडियम फ्लेम पर चलाएंगे और चलाते हुए पका लेंगे। ये अच्छा थिक हो जाएगा थोड़ा, तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं हमें लगभग इसी तरह की चाहिए। तो अच्छा, तो चीनी डालने के बाद भी देखिए हमने पका लिया और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया है। काफ़ी थिक सा हो गया है, लेकिन अभी हम इसे ठंडा करेंगे और जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिएगा। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था पकाने के बाद 10 मिनट के लिए, और ठंडा होने के बाद ही इसे ब्लेंड कीजिएगा अच्छी तरह से। तो हम सारा ही ये मिक्सचर जो है आइसक्रीम का इसमें डाल देंगे ब्लेंडर में और लेड लगा देंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम ब्लेंड कीजिएगा। तो देखें ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। अभी हम आपको दिखाते हैं कितना थिक लग रहा था, और अब ब्लेंड होने के बाद देखिएगा अच्छा झागदार सा बिल्कुल सही फोमी सा बन गया है, और इसी तरह का हमें आइसक्रीम के लिए चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ही साइड्स में जो रह गया था इसे भी थोड़ा सा चला लेते हैं। हमने बीच में कर इसको भी थोड़ा ज़्यादा देर तक और चला लिया, तो अब आप देख सकते हैं काफ़ी झागदार सा और बहुत अच्छा सा आइसक्रीम बनने के लिए रेडी हो गया है। तो अब हम इसे सारे ही लिक्विड को इसमें एक आइसक्रीम जमाने वाले मोल्ड में डाल देंगे। आप किसी भी शेप के बर्तन में जमा सकते हैं, स्टील में भी जमा सकते हैं। मैंने एल्युमिनियम का ये इस तरह का मोल्ड लिया है। तो देखें, मैंने 5 से 5.5 घंटे में ये आइसक्रीम जमा ली है, तो मैं इसको निकाल रही हूँ और अच्छा कलर आया है, अच्छी जमी है। तो
आप भी इस तरह से बनाइएगा और बहुत ही इजी रेसिपी है। ना ही हमें क्रीम, ना ही मिल्क पाउडर, कुछ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं वैनिला आइसक्रीम है, ये मैंने एक दो दिन पहले जमाई थी, तो ये भी इसी तरह से जमा लीजिएगा। तो देखें हम दोनों को एक साथ सर्व कर रहे हैं।